हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टेक लवर्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम लोग डिस्कस करेंगे कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या फीचर्स होते हैं, क्या इसका मतलब होता है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या फीचर्स होते हैं, क्या इसका मतलब होता है, और इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट काइंड एंड ऑर्गन। सो गवर्नमेंट के जो टाइप्स होते हैं लाइक फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, सो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सो फेडरल काइंड ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो पावर होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है सेंट्रल और स्टेट के बीच में। लाइक हम बात करें यूएस, सो यूएस में, यूएसए में फेडरल काइंड ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे 50 स्टेट है। सो 50 स्टेट और यूएसए के बीच में एक उनके बीच में एक एग्रीमेंट है और उसी में उनकी पावर है, पावर डिसाइडेड है कि स्टेट के पास में ये पावर है और सेंटर के पास में ये पावर है। वहाँ पे फेडरल काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट है। अब हम बात करें यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि सेंटर के पास में सारी पावर होती है और स्टेट के पास में या तो स्टेट होता ही नहीं है या स्टेट के पास में पावर होती ही नहीं है, या होती है तो लॉ बनाने की पावर नहीं होती उनके पास में। स्टेट जो चाहे वो कर सकता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेसी होती है, पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट बनाती हैं और वो डेमोक्रेसी के थ्रू उन पार्टीज ही रूल करती हैं। प्रेसिडेंटल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट एक हायरार्की होती है, प्रेसिडेंट हेड होता है और वो हेड फिर एक हायरार्की फॉलो करते हुए हम लोग गवर्नमेंट चलाते हैं। डिक्टेटरशिप में एक पर्सन और या ग्रुप ऑफ पर्सन गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है और फिर वो अपनी डिक्टेटरशिप चलाता है। और जो ऑर्गन मैंने बात की थी आपकी गवर्नमेंट की, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीन ऑर्गन होते हैं। अब बात करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। सो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट दैट डिवाइड द पावर बिटवीन ए लार्ज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ए लोकल एंड रीजनल गवर्नमेंट फॉर इस्टेब्लिश बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसमें क्या होता है कि आपकी जो गवर्नमेंट होती है वो जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, और फिर ये दोनों गवर्नमेंट लाइक स्टेट को चलाते हैं या कंट्री को चलाते हैं। लाइक हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट के पास में भी पावर होती है लॉ बनाने की, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में भी लाइक पावर होती है लॉ बनाने की। इट इज़ अ कंपोजिशन ऑफ थ्री ब्रांचेज ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। अब मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करें तो यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी स्टेट इज अ सॉवरिन स्टेट गवर्नमेंट एज अ सिंगल एंटिटी। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सुप्रीम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन एक्सरसाइज ओनली पावर दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव डेलीगेट टू देम। सो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो पावर होती है वो सेंटर के पास में होती है और सेंटर ही सब कुछ करता है, लाइक उनकी ही मोनोपोली होती है और वो डिसाइड करता है कि स्टेट के पास में क्या पावर होगी, क्या नहीं करेंगे। वही सेंटर ही स्टेट को पावर डेलीगेट करता है, वही एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, यानी कि सब कुछ सेंटर ही करता है और इसमें स्टेट के पास में कुछ अपनी ज़्यादा पावर नहीं रहती है। सब डिवीजन यूनिट आर क्रिएटेड एंड अबोलिश एंड देयर पावर मे बी ब्रॉडेड एंड नैरो बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो जो उनकी पावर, जैसे मैं बोल रहा था आपको कि स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही होती है सारी पावर्स, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है स्टेट गवर्नमेंट। सो डिफरेंट बिटवीन यूनिटरी सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम। सो यूनिटरी सिस्टम में लाइक देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और सब यूनिट एंड सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो यूनिटरी में क्या होता है कि एक लेवल की गवर्नमेंट होती है और उसकी जो सब यूनिट होती है या सबॉर्डिनेट होती है वो बस सेंट्रल गवर्नमेंट के सब सबॉर्डिनेट होते हैं। एंड फेडरल की बात करें तो दे आर टू और मोर लेवल ऑफ टायर ऑफ द गवर्नमेंट। लाइक अगर हम बात करें इंडिया में तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम लोग बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर आपके स्टेट गवर्नमेंट है, फिर आपकी लाइक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या नगर पंचायत है, फिर ग्राम पंचायत है, तो इस तरह से एक हायरार्की होती है पावर की यहाँ पे। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर टू प्रोविजनल और लोकल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिटरी में लोकल गवर्नमेंट को ऑर्डर पास कर सकती है और इस प्रोविजन पास करते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट
ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग, बट फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं कर सकती स्टेट गवर्नमेंट को कि आपको ये करना है. एंड यूनिटरी में क्या होता है, द स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इज सुप्रीम एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन एक्सरसाइज ओनली पावर दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डेलीगेटेड टू दैम. देयर पावर मे बी ब्रॉडेड एंड नैरो बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम होती है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न कर सकती है और वो आपकी स्टेट की पावर को बढ़ा सकती है, घटा सकती है. दे कैन डू एनी थिंग इन यूनिटरी. द स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. और यहाँ पर फेडरल में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास में अपनी पावर होती है जिसके लिए उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसर नहीं करना होता कुछ भी. सो व्हाट मेक इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री. अब मैं आपको बात बताता हूँ कि इंडिया को फेडरल कंट्री क्यों बोलते हैं. वैसे फेडरल है नहीं, वो क्वासी फेडरल है. सो ऑल द फीचर ऑफ द फेडरल सिस्टम अप्लाई टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो फेडरल के सारे फीचर हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई होते हैं, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर लिखा हुआ भी नहीं है कि इट्स अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड द थ्री लिस्ट आर मैंशन बिलो. सो जो तीन लिस्ट है हमारे शेड्यूल 7 में तीन लिस्ट दी हुई है. यूनियन लिस्ट इट्स इंक्लूड द सब्जेक्ट टू द नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज द डिफेंस, फॉरन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी. द यूनियन गवर्नमेंट अलोंग कैन मेक लॉ रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैंशन इन दिस लिस्ट. सो जो यूनियन लिस्ट होती है उसमें आपके जो फॉरेन अफेयर्स होते हैं, जो बैंकिंग के मैटर्स हैं और जो आपके करेंसी से रिलेटेड मैटर, उसमें यूनियन गवर्नमेंट ही ओनली लॉ बना सकती है. इट्स कंटेन सब्जेक्ट टू द स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन. द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक द रोल रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैंशन दिस लिस्ट. तो स्टेट गवर्नमेंट लाइक जो आपकी पुलिस हैं, जो आपकी ट्रेड हैं, जो कॉमर्स है, जो एग्रीकल्चर है, जो इरीगेशन है, जो सिंचाई है, खेती है, कॉमर्स है, इन सब पे आपकी स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है. द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैंशन दिस लिस्ट. कंकरेंट लिस्ट इट्स इंक्लूड द सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट. सो जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती है. द लिस्ट इंक्लूड द एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन. बोथ द यूनियन एज वेल एज द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक द लॉ ऑन द सब्जेक्ट मैंशन इन दिस लिस्ट इफ देयर लॉ कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर. द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल बी कंसिडर. और अगर दोनों ने लॉ बनाया और उसमें अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो जो यूनियन का लॉ होगा वो कंसिडर किया जाएगा. अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट. अब अगर हम बात करते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं. सो ड्यूल गवर्नमेंट पॉलिसी. यहाँ पे गवर्नमेंट की ड्यूल पॉलिसी होती है, लाइक स्टेट गवर्नमेंट भी होती है आपकी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है. डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन द वेरियस लेवल. और जो पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है सेंटर के बीच में, स्टेट के बीच में, लाइक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बीच में, ग्राम पंचायत के बीच में. सो द पावर इज नॉट सेंट्रलाइज. रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी होता है, लाइक इट्स नॉट ईजी टू अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो फिर आपको जो अपर हाउस है वहाँ पर एक बिल पास करना होगा, फिर लोअर हाउस में भी पास करना होगा. तो इट्स वेरी रिजिड, इट्स नॉट ईजी टू मेड द चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिपेंडेंट जुडिशरी. और जुडिशरी यहाँ पे इंडिपेंडेंट होती है. अगर जुडिशियल रिव्यू करके अगर कोई कानून ऐसा बनता है जो कि लाइक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अगर वॉयलेट करता है तो उसको जुडिशरी लाइक वॉइड कर सकती है. ड्यूल सिटीजनशिप. सो ड्यूल सिटीजनशिप होती है फेडरल गवर्नमेंट में. एंड बायकैमरलिज्म. सो बायकैमरलिज्म मतलब कि यहाँ पे अपर हाउस, लोअर हाउस दो सदन होते हैं. ओके. एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूनिटरी गवर्नमेंट. एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल गवर्नमेंट. अब इसमें क्या होता है कि अगर यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे एक सिंगल गवर्नमेंट होती है, उसी की सुप्रीमेसी चलती है. द सुप्रीमेसी ऑफ द सेंट्रल पॉलिसी एंड द एब्सेंस ऑफ द सब्सिडी सॉवरेन पॉलिटीज़.
तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिटर्न और अनरिटन, कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिटर्न भी हो सकता है अनरिटन भी हो सकता है। लाइक यहाँ पे काफ़ी सारी कंट्री है जिनके यहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट है, लाइक हम बात करें इंग्लैंड, जर्मनी, सो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है और ये आपका रिटर्न भी हो सकता है अनरिटन भी हो सकता है। इंग्लैंड में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है बट वहाँ पे आपका यूनिटरी गवर्नमेंट है। सिंगल सिटीजनशिप, और जो सिटीजनशिप है वहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप भी होती है, नो डिवीज़न ऑफ पावर, और जो पावर होती है सारी वो सेंटर के पास में होती है, स्टेट के पास में पावर नहीं होती। ओके, सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग बोथ द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू।